फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बेसन की लड्डू बनाने जा रही हूँ। इसे हम किसी भी फेस्टिवल पे या पूजा के प्रसाद में, ये बड़ा ही क्विक रेसिपी है और खाने में बहुत ही लजीज है। ये हम बेसन का लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बेसन की लड्डू बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है बेसन। बेसन हम 150 ग्राम लिए हैं और इसे हम अच्छे से छान लिए हैं। मेरी बेसन जो है बारीक वाला है, तो इसमें हम 50 ग्राम रवा यूज करेंगे। अगर आपकी लड्डू वाली बेसन हो, यानी दरदरी पिसी हुई हो, तो इसकी जरूरत नहीं है। हमने ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। 150 ग्राम हम घी लिए हैं। जितना बेसन है उतना ही हम घी लिए हैं। 150 ग्राम शक्कर का बुरादा लिए हैं। कुटी हुई इलायची पाउडर और पिस्ता को हमने काट लिया है, इसे हम गार्निश करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं, गैस की तरफ चलेंगे। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें हम घी को डालेंगे और घी को थोड़ा सा हम बचा लेंगे। घी मेल्ट होने पर हम इसमें बेसन डालेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हम डालेंगे और साथ में हम रवा भी डाल देंगे और इसे अच्छे से हम 10 मिनट तक भूनेंगे। आपको दो बातों को ध्यान में रखना होगा। एक तो आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक होनी चाहिए या तो मोटी पेंदी वाली, और दूसरी बात यह है कि गैस का फ्लेम जो है आप मीडियम टू लो ही रखें, नहीं तो पेंदी में बेसन लगने लगता है, उससे उसका टेस्ट खराब हो जाता है। और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे 10 मिनट तक। आप देख रहे हैं बेसन अपना फूल भी रहा है। आप देख रहे हैं बेसन अच्छे से घी के साथ मिल गया है। स्टार्टिंग में तो बेसन घी को सोख लेता है, लेकिन जैसे जैसे हम भूनेंगे वैसे बेसन ढीला होते जाएगा और घी अपना अलग होते जाएगा। अब हम इस स्टेज पे गैस को फ्लेम को कम कर लेंगे और इस पे हम 2 चम्मच पानी का छींटा डालेंगे। पानी का छींटा मारने से अपना लड्डू दानेदार होगा। दानेदार हो, और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक इसका झाग कम ना हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए कितना अच्छा झाग निकल के आया है। इस स्टेज पे हम रहेंगे। तो इस स्टेज पे हम बेसन को एकदम बारीकी से चलाते रहेंगे। अब ध्यान से इस समय देख लीजिए, इसका कलर भी चेंज हो गया और बेसन दानेदार भी दिखने लगा। बेसन से घी अपना अलग होने लगा है और बेसन की एक बहुत ही बढ़िया एरोमा आने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और बेसन को चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई अपनी गर्म है तो पेंदी में लग न जाए। तो इसे हम आधा मिनट तक कंटिन्यू चलाएंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म बेसन में हम शक्कर डालेंगे तो पिघलने लगेगा। तो इसके लिए हम 10 मिनट तक इसे छोड़ देंगे। मिश्रण अपना रूम टेम्परेचर पे आ गया है, यानी कि मेरी अंगुली सह रही है। इस स्टेज पे हम डालेंगे शक्कर का बुरादा और साथ में डालेंगे हम कुटी हुई इलायची और उसी के साथ डालेंगे ड्राई फ्रूट और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऐसे हम इसको मिक्स कर लेंगे। शक्कर को हम
अब हाथ से मिक्स करेंगे। तो ऐसे हम इसमें का बेसन निकाल लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे और इसे हम हथेलियों के सहारे ऐसे मलमल के इसे हमने हाथ से ऐसे मिक्स करके एकदम स्मूथ कर लिया है। अब हम इसमें से एक छोटा सा बॉल जैसा लड्डू बनाएंगे। तो आप अपने मनपसंद का आकार दे सकते हैं, जैसे कि बड़ा, छोटा, मीडियम साइज। हमने ऐसे साइज का लड्डू बनाना शुरू किया है। तो इसे हम ऐसे गोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना लड्डू बनकर तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और ऐसे ही हम दूसरा बेसन का थोड़ा सा लेंगे और ऐसे दबाते हुए हथेलियों पे और ऐसे घुमा लेंगे। इसी तरीके से हम सारे लड्डू को गोल गोल बना लेंगे। आसानी से बन जाता है, इसे कोई भी बना सकता है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसकी खासियत ये है कि इसे आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 2-3 सप्ताह तक रख सकती हैं, क्योंकि इसमें बिगड़ने लायक कुछ डाला ही नहीं जाता है। लड्डू बनकर तैयार है। अब हम इसे पिस्ता से गार्निश करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे सजा लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो हमने पिस्ते से गार्निश कर लिया है। इसे 4 से 5 घंटा आप रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भरकर 4 से 5 सप्ताह तक खा सकती हैं। इसमें बिगड़ने वाली ऐसी कोई भी चीज नहीं है। इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार शक्कर ज्यादा, कम या घी की मात्रा भी थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने इसे इक्वल क्वांटिटी लेके बनाया है। तो अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।